नमस्कार अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस सा। मैथिली साहित्य तथा संस्कृति क्षेत्र में विशेष योगदान पहुंचाने चार गोटे सूचना से पुरस्कृत तथा सम्मानित। मैथिली साहित्य कला तथा संस्कृति क्षेत्र पर जोर। नेता कार्यकर्ता सहित पुलिस पकड़ विरोध में विभिन्न दल सब जनप्रिय प्रयासों में चला का शाम। आईएस के आक्रमण में प्रथम शीतल सबके स्मरण में दो दिन के राष्ट्रीय शोक के आप समाचार विस्तार शाम। मैथिली विकास कोष मैथिली साहित्य तथा संस्कृति क्षेत्र में यह विशेष योगदान पहुंचाने चार गोटे स्रष्टा सबके पुरस्कृत तथा सम्मानित कलक है। मैथिली विकास कोष जनकपुर में आयोजन कने साधारण सभा के उद्घाटन तथा पुरस्कार वितरण समारोह में नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानक कुलपति सर्वभक्त चार गोटे के सम्मान केने छथि। कोष स्थापना केने धीरेन्द्र साहित्य सांस्कृतिक पुरस्कार 2071 सँ पत्रकार एवं साहित्यकार राम भरोस कापड़ सलहेस पुरस्कार 2071 सँ मिथिला नाट्यकला परिषद के 51,000 राशि सहित दोसल्ला ओढ़ाकर सम्मान कयल गेल अछि। तहिना धीरेन्द्र साहित्य संस्कृति पुरस्कार 2072 सँ अयोध्या नाथ चौधरी आ सलहेस पुरस्कार 2072 सँ गुरुदेव कामती के सम्मानित कयल गेल अछि। जीविषा धनुषा स्थापना केने मैथिली विकास कोष मैथिली साहित्य संस्कृति तथा रंग क्षेत्र में विशेष योगदान केने दू गोटे स्रष्टा के वार्षिक रूप में सम्मानित करैत आयल अछि। नेपाली भाषा के मातृ लऽ कऽ राष्ट्र भीतर के प्रत्येक भाषा भाषी के संरक्षण संवर्धन एवं समुचित विकास हो बने सकत कहैत मैथिली साहित्य कला तथा संस्कृति क्षेत्र के स्रष्टा सब जोर देने छथि। जनकपुर में मैथिली विकास कोष आयोजन कने साधारण सभा तथा पुरस्कार वितरण समारोह के उद्घाटन सत्र में नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति सर्वभक्त संविधानी नेपाल के बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में उल्लेख कर चुकलाक बाद सब भाषा भाषी आ कला संस्कृति के सेहो ओतबे महत्व देबय पड़त बतौलन। ओ संविधान बमोजिम सरकार सब क्षेत्र आ भाषा भाषी के राज्य के मूलधार में प्रवाहित कराब के सुझाव सेहो देलन। साहित्यकार एवं प्राज्ञ रमेश रंजन झा विभिन्न भाषा के साहित्य तथा कला के समर्थन कर प्रज्ञा प्रतिष्ठान शुरुआत कलाक बाद प्रयास के निरंतरता देबय पड़त बतौलन। सांसद एवं एमाले नेता शत्रुघ्न महतो पूर्व सांसद महेंद्र मिश्र राम सरोज यादव पुरस्कृत साहित्यकार राम भरोस कापड़ अयोध्यानाथ चौधरी सुनील मल्लिक पत्रकार महासंघ हंसाक अध्यक्ष अनिल मिश्र लगायत मैथिली कला साहित्य के उत्थानक लेल सामूहिक निरंतर प्रयास होबय पड़त बतौने छलथि। मान्यता नहीं देने के दोसर बात छै लेकिन अखन तो लड़ाई जारी छै अपना ढंग से सरकार कहियो अखन के संस्थापन पक्ष कहियो हमरा सब के भाषा संस्कृति के लिए जे लड़ाई ले रहल छी अवश्य रूप से बाधा दऽ रहल अछि। हम सब लड़ाई करब भाषिक अधिकार के पूरा सांस्कृतिक अधिकार के जुन पूरा पूरा राष्ट्रीय स्तर में बसर हमारा अब नेतृत्व चाँडो भन्दा चाँडो समाधान गर्नु पर्छ। माओवादी क्रांतिकारी के नेता एवं सर्जक रोशन जनकपुरी विकास कोषक लक्ष्य बेहद आ विशिष्ट बनाव सुझाव देने छथि। कोषक अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी के अध्यक्षता में भेल साधारण सभा के बंद सत्र रवि के सांस धरि चलत। अपन नेता कार्यकर्ता सब के पुलिस पकड़ने विरोध में विभिन्न दल सब जनकपुरक पिराड़ी चौक में किछु देर चक्का जाम केने अछि। जनकपुरक रजौल स्थित श्री जनता उच्च मावी में चार कोठे विद्यालय भवन निर्माण में आयल बजट रकम में भाग बंडा नहीं मिललाक बाद भेल विवाद में पुलिस ने कपा माओवादी केंद्र के केंद्रीय सदस्य रामचंद्र मंडल सहित नेता कार्यकर्ता को कुल आठ गोटे के बीतल रात पकड़ने छल। पकड़ाव पड़े वाला में फोरम नेपाल नेपाली कांग्रेसक नेता सेहो रहल कारण ओहि पार्टी के जिला नेता सबके सेहो चक्का जाम तथा विरोध जुलूस में सहभागिता रहल छल। प्रदर्शनकारी सब धनुषा के प्रहरी ऊपरी छक विरोध कड़ा नाराबाजी करैत करीब एक घंटा चक्का जाम केने छल। ओ सब पकड़ाव पर नेता सब के तुरंत छोड़े के मांग केने अछि। एम्हर पुलिस सुरक्षा देबय गेल सुरक्षाकर्मी ऊपर मंडल के नेतृत्व में हाथपात भेल कहैत हुनका सब के पकड़ाव कयल गेल दावी केने अछि।
श्री संकट मोचन देवशरण रामरति उच्च माध्यमिक विद्यालय रेबदिन छात्रवृत्ति कार्यक्रम खेला गई छन। रेबदिन भोर में भेल कार्यक्रम में विद्यालय कक्षा 1 से 5 धरि के विद्यार्थी के 400 रुपया के दर से छात्रवृत्ति प्रदान केने अछि। कक्षा 1 से 5 धरि के 180 गोटे विद्यार्थी के 400 के दर से ₹72,000 बांटल गेल अछि। तहिना कक्षा 6 के 104 गोटे आ कक्षा 7 के 125 गोटे विद्यार्थी के क्रमश 41,600 आ 50,000 के जमा 1,63,600 रकम बांटल गेल अछि। 180 विद्यार्थी में हम लोग 1-5 के कक्षा को विद्यार्थी पढ़ा छोड़ हम बजेट अनुसार हमें जी बजेट पाए थे हम जी विद्यार्थी सब मूल्यांकन करें हमें 168,000 वितरण करने हमें माघी तर्फ भी 24,000 रुपया वितरण करने 500 रुपया ने। छात्रवृत्ति कार्यक्रम में 105 कक्षा धरिक 37 गोटे कक्षा 6 के 12 गोटे आ कक्षा 7 के 11 गोटे दलित विद्यार्थी के क्रमश 14,800 रकम प्रदान कयल गेल अछि। विद्यालय काल सेहो छात्रवृत्ति कार्यक्रम रखने जनौने अछि। धादिंग के रीगा विषय के चेप्रांग में फसल 21 गोटे के उद्धार कयल गेल अछि। शनि दिन सेना 14 गोटे के सुरक्षित ठाव से बाहर निकालने अछि। सेना रेबदिन हेलीकॉप्टर मार्फत बाकी 5 गोटे के उद्धार केने प्रमुख जिला अधिकारी विश्वप्रकाश सुवेदी बतौने छथि। हुनक अनुसार भूस्खलन में प्रभावित भेल सब रिगाविस्त के सामूहिक आवास में राखल गेल छथि। हुनका सबके कोना के पुनर्स्थापना करबाक विषय में विचार बैस कऽ निर्णय कयल जायत ओ बतौलनि। बीतल बुध दिन राति में चेप्रांग गाम में भेल भूस्खलन में 21 गोटे फंसल छल। अब इंटरनेशनल न्यूज। अमेरिका के संघीय जांच आयोग FBI राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हिलारी क्लिंटन संगे पूछताछ केलक अछि। FBI डेमोक्रेटिक पार्टी के दिस से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार क्लिंटन संगे विदेश मंत्री रहित समय के ईमेल के विषय में पूछताछ केने अछि। क्लिंटन ऊपर सरकारी प्रयोजनक लेल आधिकारिक ईमेल व्यक्तिगत ईमेल मार्फत पठबैत आयल आरोप लागल अछि। क्लिंटन के प्रवक्ता FBI संघक पूछताछ के लेल क्लिंटन अपने गेल बतौने अछि। क्लिंटन आधिकारिक जानकारी व्यक्तिगत ईमेल मार्फत व्यक्तिगत करैत आयल आरोप अस्वीकार करैत आयल छथि। मुदा अमेरिकी विदेश मंत्रालय क्लिंटन सहित ओहिसँ आगू के बहुत विदेश मंत्री गोपनीय जानकारी के सुरक्षा में खासे ध्यान नहीं देने जनौने अछि। अमेरिकी न्याय मंत्रालय एहन कार्य अपराध अछि वा नहि ताहि विषय में विचार कऽ रहल अछि। अनुसंधान के नतीजा जेलाक बादो ओहिसँ क्लिंटन के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार में असर कयल जायत विश्लेषक सबके कहब अछि। क्लिंटन ऊपर लागल आरोप विपक्षी रिपब्लिकन के लेल चुनाव प्रचार में हथियार के काज करत। बांग्लादेश ढाका में विद्रोही संगठन इस्लामिक स्टेट IS के आक्रमण में पड़ कर मृत्यु भेल सब के स्मरण में 2 दिनक राष्ट्रीय शोक के घोषणा केलक अछि। IS शुक्र दिन राति राजधानी ढाका के एक कैफे में आक्रमण केला पर 20 गोटे के मृत्यु भेल छल। आक्रमणकारी कैफे में आक्रमण कऽ ओतऽ रहल लोक सब के बंधक बना कऽ तकर बाद हत्या केने छल। मृत्यु होबय वला में अधिकांश विदेशी नागरिक अछि। तहिना 2 गोटे पुलिस अधिकारी के सेहो मृत्यु भेल सरकारी अधिकारी सब बतौने अछि। घटना में 30 गोटे घायल भेल अछि। बांग्लादेश के सैनिक बंधक बनौने 13 गोटे के 12 घंटाक बाद सकुशल उद्धार केने छल। घटना में मृत्यु होबय वला में 9 गोटे इटाली 7 गोटे जापानीज 3 गोटे बांग्लादेश तथा 1 गोटे भारतीय नागरिक अछि। अमेरिकी विदेश मंत्रालय मृत्यु होबय वला में 1 गोटे अमेरिकी नागरिक सेहो रहल जनौने अछि। मुदा एहि विषय में थप जानकारी नहि देल गेल अछि। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिनक राष्ट्रीय शोक के घोषणा करैत आतंकवाद विरुद्ध लड़बाक प्रतिबद्धता जनौल अछि। आतंकवादी के कोनो धर्म नहि होबाक कहैत प्रधानमंत्री हसीना धर्म के नाम में होबय वला कोनो आतंक स्वीकार नहि होयत बतौली। इटाली के फुटबॉल टीम सेहो आक्रमण में मृत्यु भेल सब के स्मरण में फ्रांस में जारी रहल यूरो कप अंतर्गत बीतल राति जर्मनी संघक खेल के आगे मौन धारण केने छल। व्यस्त अपने जखन के लिए इतबा पल पल खबर तेज नजर देखते रहब अपन TV। नमस्कार।